तो स्पाइरल बाइंडिंग मशीन में आपको इस तरह से पेपर लेना है, फर्स्ट उसे पलटाना है, फिर उसके अंदर डालना है। जिस तरीके से हम लोग आपको बाइंडिंग करके बता रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से करना है। अगर आपने पेपर का ओरिएंटेशन सही नहीं रखा तो आपके पेपर्स गलत बन जाएंगे। ये है इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन ऑफ 5 mm साइज। तो इसी तरह के हमारे पास 4 mm और 5 mm दो ऑप्शन हैं। दोनों के अंदर आप आराम से इस तरह से बुक को बना सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं। हमारे बताए गए इस तरीके से करने से आपका जो किताब का ऑर्डर है या पेज का ऑर्डर है वो ख़राब भी नहीं होगा, सीरियल वाइज आराम से रहेगा। यहाँ पे हम आपको मशीन को यूज़ करने के लिए दो ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन है ये हैंडल ट्रिगर, बाय हैंड आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। और दूसरा एक ट्रिगर है वो उस तरह का लेग प्रेशर रहता है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बता दूँगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे कितनी भी मोटी किताब हो या कितनी भी आपके पास क्वांटिटी हो, आपके पास हाथ में स्पीड रहनी चाहिए और आप आराम से इसे पंच कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा यह है कि आपको इसमें जल्दी से थकान नहीं होती, क्योंकि पूरा काम जो है मशीन से होगा और आपका कोई भी स्टाफ जो है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़, वो आसानी से इसके अंदर आपको स्पाइरल बाइंडिंग कर सकता है। मशीन के ऊपर हमने 1 horsepower का मोटर दे दिया है आपको, और आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल घर की इलेक्ट्रिसिटी का जो सिंगल फेज वोल्टेज रहता है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी बुक पंच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके अंदर आपके स्पाइरल बाइंडिंग शीट भी पंच हो गए हैं। यहाँ हमने ग्रे कलर की स्पाइरल बाइंडिंग की शीट यूज़ की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल का जो अलाइनमेंट है परफेक्ट है। देखिए, तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली काम करना है और सिस्टमेटिकली आपकी जो पूरी बुक किताब है रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने ग्रे कलर का स्पाइरल बाइंडिंग का कवर यूज़ किया था। इस तरह से हमारे पास आपको और कई रंग मिल जाएंगे और कई कलर्स मिल जाएंगे, कई वैरायटीज़ मिल जाएंगी स्पाइरल बाइंडिंग की। और आप इस तरह से अपनी किताब बनाते जा सकते हैं, और किताब बनने के बाद आपको इस तरह से उसके ऊपर स्पाइरल रिंग चढ़ाना होता है। जो स्पाइरल रिंग है वो चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ तो मैं आपको एम्प्टी बुक दिखा रहा हूँ, बट स्पाइरल रिंग चढ़ाने के लिए भी हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था, आप मेरे YouTube चैनल में जाके उसे भी देख सकते हैं। रिंग चढ़ाने का मैं अलग से यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा काम है ये, बट फिर भी इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप जाके मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और हमारे पास इस तरह की कई सारी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन्स हैं, मैनुअल एंड टॉप लोडिंग एंड बॉटम लोडिंग मशीन्स भी है हमारे पास। और इन मशीनों के साथ साथ हमारे पास और कई तरह की 4 mm एंड 5 mm स्पाइरल बाइंडिंग मशीन्स है। एंड ये जो स्टैंडर्ड मशीन आती है, इसे आप ऑल ओवर इंडिया हम कहीं से भी ऑर्डर करेंगे तो हम लोग इसे लकड़ी की पेटी पैक करके पूरा पार्सल बना के आपको भेज सकते हैं। साथ ही साथ बाइंडिंग से रिलेटेड हमारे पास रिम कटर भी है। रिम कटर कुछ इस तरह से दिखता है, और ये इस तरह का जो रिम कटर है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के गोल्ड फॉइल रोल्स हैं, इस तरह के ईजी कट फॉइल्स भी हैं हमारे पास। और बाइंडिंग से रिलेटेड आपको हमारे पास इस तरह से कैटलॉग फोल्डिंग मशीन भी मिल जाएगी, जो इस तरह का पैम्पलेट जो है फोल्ड करके आपको दे देती है। इस तरह से पूरा कैटलॉग फोल्ड होकर आपके पास आ जाएगा विद स्टेपलर। एंड इस तरह का हमारे पास रोल टू रोल लैमिनेशन मशीन भी है, जिससे आपके बुक के कवर्स एंड वेडिंग कार्ड लैमिनेशन भी कर सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो हमने बनाया है, इन गोल्ड फाइल का भी डिटेल वीडियो बनाया है। और ये हमारे पास कॉर्नर कटर, जो कि किसी भी किताब या बुक का कॉर्नर कटिंग आपको करना हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ हमारे पास और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लैमिनेशन मशीन, बाइंडिंग मटेरियल, और भी कुछ रहेगा तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर सकते हैं।